अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। तो अब जो है वो बहुत ज़्यादा कराची में सर्दी हो गई है और ठंड का मौसम आ चुका है। और हमने जो है कल आपको दिखाया था कि हमने जो है वो टोपियारी बनाई थी यहाँ पर जेट प्लांट की। तो हम जो है वो उसको देखते आए हैं, ये बार बार जो है वो गिरे जा रहा था। तो मैंने जो है वो इसको इस स्टिक की मदद से जो है वो इसको थोड़ा सा टिकाया हुआ था। और यहाँ पर जो है हमें थोड़े से अपने फ्लावर्स को देखना था, क्योंकि जो है मैं अभी यहाँ आई हूँ तो ये पर्पल हार्ट के कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ पत्ते हैं जो कि इस तरीके से ड्राई हो गए हैं। तो इनको मुझे कट करना पड़ेगा ताकि यहाँ से नए नए फ्लावर्स आ जाएँ। लेकिन जो है वो कुछ फ्लावर्स अभी भी चल रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आज सुबह भी यहाँ पर फूल खिला हुआ था। और मैंने जो है वो हरा धनिया की भी आज कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ कुछ हरा धनिया जो है वो ऐसा है जो कि ब्राउन हो गया है, ये देखिए आप। तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी थोड़ी बहुत कटिंग करें ताकि इसमें से जो है वो जो ब्राउन लीव्स हैं वो ख़त्म हो जाए और फ्रेश फ्रेश हरा धनिया आए। और कुछ बेलें हैं जो हमारी गिर गई हैं, जैसे कि ये हमारी बेल गिर गई है। तो जो है इस बेल को भी हम यहाँ से अटैच करेंगे अभी, देने के हमारा जो हरा धनिया है वो भी जो है वो यहाँ से नए नए लीव निकल पड़े हैं, ये देखें छोटे छोटे से। मैंने इसी की टहनी निकाल के जो यहाँ पर थी, मैंने इसी में से तोड़ के इस पर लगाई थी। ये देखें ये बहुत सारा हरा धनिया आ गया यहाँ पर भी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें यहाँ पर भी जो है वो नया जो हरा धनिया है वो आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर जो है वो मुझे टोपियारी एक और बनानी है, जो कि हमारा जो है वो पीकॉक स्टाइल में होगा। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा टाई कर दूँगी ताकि ये पीकॉक का फेस बन जाए और यहाँ से जो है वो उसकी टेल बन जाए। तो टेल तो हमारी बनी हुई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा टाई अप करती हूँ ताकि ये शेप आ जाए। तो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं मे बी कि हमसे बन जाए। और यहाँ पर जो हमारे कॉलेज के फ्लावर्स हैं, इसमें जो है वो अगेन जो है ये वाले फ्लावर निकल आए हैं, हम इसको भी कटिंग करते हैं। और माशाल्लाह से हमारा ऑयस्टर प्लांट तो चल रहा है, देखिए नए नए इसमें जो है वो लीव्स आ रहे हैं और ये हमारा और ज़्यादा फैल गया है। और इसमें जो है वो कोई फ्लावर्स नहीं निकल रहे, क्योंकि अभी थोड़े से लीव्स नए नए आ रहे हैं, जो पुराने थे मैंने कट कर दिए थे, तो उसमें सिर्फ एक ही लीव निकला हुआ है, मुझे लग रहा है एक ही फ्लावर निकला हुआ है, सॉरी। और ये हमारी बेल तो चल ही रही है, यहाँ पर भी देखें कितने बड़े बड़े जो है वो इसमें से फूल निकल आए हैं। और इनको भी हमें फटाफट कट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे देखें, यहाँ पर पहली दफ़ा आज आप नोट करें कि ये अब तक बड़ा नहीं हुआ था, और माशाल्लाह माशाल्लाह अब ये बड़ा हो गया है और अब ये तेज़ी में ग्रो भी हो रहा है, क्योंकि ये इनका सीज़न होता है, सर्दियों का सीज़न इनका होता है। ये सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो भी होते हैं, लेकिन इसमें भी ये वाले फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो इसको भी हम कट करते हैं इन सबको, जैसे कि ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये रहा, ये सब इन सबको हम फटाफट कट करते हैं। ये देखिए वो भी जो है हमारा कॉलियस की ही टाइप है, तो इसमें भी सेम फ्लावर्स निकल रहे हैं, जो इसमें निकल रहे हैं वही इसमें भी निकल रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ताकि ये आपको और क्लियरली नज़र आए। ये देखें सेम है, और ये देखें यहाँ पर भी सेम है। और यहाँ पर जो है हमारे कुछ फ्लावर निकले हुए हैं, चार से पाँच। और मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ पर जो है हमारा जो क्यारी है उसको हम थोड़े से जो है जो बेलें बड़ी हो गई हैं उस साइड पे, तो उसको जो है वो हम ऊपर से अटैच करें ताकि हमारा थोड़ा सा ग्रीनी लुक आए, क्योंकि अब तक हमारे गार्डन में जो है वो ग्रीनी लुक नहीं आया है। और मैंने आपको कल बताया था कि जो है वो मैं वहाँ गई थी नर्सरी, लेकिन मुझे कुछ पौधे नज़र आए थे लेकिन इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक दो दिन में दोबारा चक्कर लगाऊँगी। अब हम फटाफट से यहाँ पर पानी देते हैं अपने पौधों को, और हमें जो है वो इस टावर को भी सेट करने हैं, यूकेस को भी हमें जो है वो पेंट करना है। तो आइए हम फटाफट से पहले इनको पानी दे देते हैं और फिर हम जो है वो और प्लांट्स की कटिंग करते हैं और फिर हम देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये हिबिस्कस में तो अभी फ्लावर नहीं आएगा,
पत्ते इसमें ज़रूर आएंगे लेकिन इसमें फ्लावर नहीं आएगा क्योंकि ये सीज़न नहीं है इनका, तो इसलिए इसमें फ्लावर नहीं निकलेगा। देखिए इस अंदर से नई जड़ निकल रही है, देखिए नए नए पत्ते निकल रहे हैं, नई जड़ निकली है इसकी, नई ब्रांच यहाँ से, और इसमें जो है वो लीव निकल रहे हैं। और यहाँ पर जो है हमारे जो पत्ते ड्राई हो गए हैं उनको हम कभी हम तोड़ेंगे, और जो फूल हमारे मुरझा गए हैं हम उनको कट करेंगे। यहाँ गुलाब के फूल का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गुलाब के फूल को क्या हो गया है, यहाँ पर एक भी गुलाब का फूल नहीं निकल रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या हुआ है इसे, या तो इसका इसके न्यू लीव निकल रहे हैं या मे बी आई डोंट नो क्या हुआ है, क्योंकि इसमें एक भी ना बड है ना ही कोई फूल निकला है। और ये तो ये भी बढ़ रहा है, ये ग्रो हो रहा है, लेकिन इसमें कोई फूल नहीं निकल रहा है। हालांकि जिससे मैंने ये पौधा लिया था उसने हमें नर्सरी वाले ने बताया था कि इसमें निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, लेकिन इसमें जो है वो अब तक निकला नहीं है। और ये वाले जो हैं जो मैरी गोल्ड हैं गेंदे के फूल जो हैं जो ये ख़राब हो गए हैं, हम उनको फटाफट से कट करेंगे। और ये वाला देखिए बिस्किस का, ये हमारे पास सिर्फ एक टहनी थी लेकिन अभी ये ज़्यादा बड़े हो गए, घना हो गए देखें, और जो है लेकिन अभी इसमें फूल नहीं निकला है, इसमें गर्मियों में फूल निकलेगा। इसकी बेल जो है वो यहाँ पर बड़ी हो रही है, और जो है यहाँ पर जो है वो इस पर लिपट गई है ये वाली बेल, ये हमारे गुलाब के फूल से पूरी बेल लिपट गई है, जिसको भी थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा ये से, ताकि ये अपनी ये इस जगह चले। तो आइए हम जल्दी से पानी देते हैं। तो मैंने जो है वो इसको इस बेल को यहाँ से अटैच कर दिया है, और इस बेल को जो है वो मैंने यहाँ से अटैच कर दिया है ताकि इस पर भी थोड़ा सा ग्रीनी लुक आ जाए। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मैं इसको भी, ये जो एलर्जी गई है हमारी बेल, मैं इसको भी इनसे अटैच करूँ, लेकिन ये हो नहीं रहा हमसे क्योंकि ये इतनी बड़ी हुई नहीं है अभी, ये जब ये बड़ी हो जाएगी तो ही ये अटैच होगी, फ़िलहाल ये अटैच नहीं हो रही है। मैं जो हूँ वो यहाँ पर सोच रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो हमारी जो बेलें हैं इनको जो है वो इससे जो है वो अटैच करूँ, ताकि ये बड़ी ऊपर की तरफ ही आ जाए, और ये हमारा जो है थोड़ा सा ये घना हो जाएगी हमारी बेल, क्योंकि ये माशाल्लाह बड़ ग्रो तो हो रही है लेकिन ये भी थोड़ा सा टाइम, तो हम जो है वो पहले कटिंग करते हैं और फिर हम देंगे इनको पानी। तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, फिर देखिए हमारे पत्ते जो है वो सारे के सारे झूम रहे हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है।
ये देखें हमारा जो है वो सारा का सारा जो मिनी गार्डन है उसका पानी दे दिया है हमने। पर जो है वो सूरज जो है वो ग़ुरूब होने वाला है, शाम का वक्त हो गया है, तो मैं अपना ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल दे देना, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाफिज़।